साधन जो है वो एक को मनमाना नहीं करता और आगे आगे बढ़ते चलो, आगे आगे बढ़ते चलो, और बढ़ने का अधिकार ना हो, उन्नति ना हुई हो, जिस गड्ढे में गिरे हैं उस गड्ढे से अगर उठ नहीं पाते हैं तो वही करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो अहंकार है कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, ये विद्या तुम्हारे अंदर फंसी गई है, उसने का नाम अचारण करो। जो अपने स्वभाव में स्वरूप में नहीं है वो डालना है। यहाँ एक बालक है वो बीए तक पढ़ा हुआ, एक दिन गिर पड़ा तो दिमाग पर ऐसी चोट लगी उसको कि सारी अंग्रेजी भूल गई। उसका होते पहले अक्सर ए बी होता है, ए बी सी डी भी भूल गई उसको, ऐसी भूल गई और 6 महीने तक रखना पड़ा उसको अस्पताल में। बाद में जब उठा तब भी ए बी सी डी याद नहीं आई, तब उसको फिर से घर से पढ़ा के दर्जा 4 तक की योग्यता पैदा करी गई, अभी है वृंदावन में। हमको कोई अभिमान नहीं है, ये अभिमान सबसे बड़ा होता है। अहंकार शब्द का अर्थ ही होता है कि जो अहम नहीं है उसको अहम कर लेना, अहम करणम अहंकार, किया हुआ अहम, बनाया हुआ अहम, अध्यारोपित अहम, उसको बोलते हैं अहंकार। तो ये जो अहम है वो तो रहेगा, लेकिन उसमें जो किया हुआ अहम है उसका अपवाद करना पड़ता है। तो ये बहुत दुख देता है, कभी 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 ये जो अध्यारोपित अभिमान है ये बड़ी तकलीफ देता है। इसलिए समझना चाहिए ये बनावटी है, वास्तविक नहीं है। ये जो अध्यारोप है इसमें हमारी मानसिक शक्ति ऐसी जुड़ गई है और उसमें हम इतने फंस गए कि हम शास्त्र को इनकार कर सकते हैं पर अपनी मान्यता को नहीं, हम गुरु को इनकार कर सकते हैं पर अपनी मान्यता को नहीं, हम ईश्वर को इनकार कर सकते हैं पर अपनी मान्यता को नहीं। इस प्रसारक की ओर देखो, इसी का नाम है बंधन, इसी का नाम है प्रसारक। हम विरक्त हैं तो भगवान के दर्शन की क्या जरूरत है, सत्संग की क्या जरूरत है। मतलब बड़े बड़े विरक्त जो रहते हैं पहाड़ों में जंगलों में गांजा पी के तो ठंड मिटाते हैं। देखो आपका पूरा वर्तमान ना कोई वहां का विरक्त हो तो हाँ दो मुख में रहते हैं गांजा पी के, गांजा पी के तो ठंड को कहते हैं अफीम खाते हैं, गांजा सल्फा कुचला पर कुचला खाने से ठंड नहीं लगते हो, उसको शोध करके कुचला खा लो ठंड में बिल्कुल नंगे होकर बैठ जाओ, हो कितने सहित हो आप लोग कोई करना मत, उसको शुद्ध करके खाना पड़ता है, बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। घनघोर ठंड में गोमुख में रहो एकदम ठंड नहीं लगे, शुद्ध किया है कुचला। रेडियो सबसे दिन कटता है क्योंकि वहां भी रेडियो की आवाज सुनाई पड़ती है, और कहेंगे जो हो नीचे वाले तो सब फंसे हुए हैं पापी हैं, हाँ हम ऊपर रहने वाले बड़े सारे। हमारे एक महात्मा थे 5-6 बरस रहे जोशीगढ़ में, हमारे मित्र ही थे, उन दिनों मैं तो जा नहीं सका जोशीमठ, वही उतर के आए 5-6 महीने के बाद, 5-6 बरस के बाद। तो मैंने उनसे पूछा वहाँ आपको क्या अनुभव हुआ, कोई देवता मिला मिला ध्यान में स्पष्टता आई, अरे क्या आनंद था,
दूर दूर तक हरी हरी हरियाली जंगल दिख रहा था। ऊपर बर्फ के पहाड़ दिख रहे थे। गंगा जी की हर हर धारा बह रही थी। क्या शांति थी वहाँ। मैंने कहा भाई कुछ परमात्मा के अनुभव की बात सुनाओ। हमारा मैं पूछूं परमात्मा का अनुभव और वो बता रहे जंगल की हरियाली और बर्फ। हाँ हाँ, ये जो लोग सोचते हैं कि हम नंगे रह के ईश्वर को पा लेंगे तो पशुओं को पहले मिलेंगे। जो चाहते हैं कि हम गंगा जी में पानी में खड़े रहेंगे और हमको ईश्वर मिलना चाहिए तो मेढकों और मछलियों को सबसे पहले मिलना चाहिए। अरे इतनी बात मैं कह रहा हूँ सब लिखी हुई पुराणों में। बोला आजन्म मरणांत गंगा भगिनी मंडूक मध्यम प्रमुखा प्रतिन से भवंति गरुड़ पुराण के तारोद्धार में अध्याय में इस श्लोक का कर पारावताक्षिलाहारा कदा कि न पिबन्ति मही कोयम् किं भवन्ति तदश्विनः। जातक नदी का पानी पीता तो क्या वो तपस्वी हो या उसको भगवान मिलेंगे। तो बहुत सोच समझ के साधन के मार्ग में जो अनुभवी पुरुष है उनके निर्देश अनुसार जब तक अपना काम निवृत्त नहीं होता किसी उद्देश्य के मन में आकर्षण होता है, जब तक किसी बात का मन में गुस्सा आता है क्रोध आता है, जब तक कोई बात परिस विपरीत मालूम पड़ती है, परिस माने अनुकूल विपरीत माने प्रतिकूल, परिस माने परिजनगत और विपरीत माने विपरीत विपर्य, जब तक सृष्टि में उनका प्रतिकूलता भासती है तब तक कुछ निखल नहीं होना चाहिए, निर्मर्जात नहीं होना चाहिए, अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। तब तक मनुष्य को हथियारों बकवास करते जाना चाहिए, वैराग्य का अहंकार करके या विचार का अहंकार करके या एकाग्रता का अहंकार करके या त्याग का अहंकार करके, त्याग होता है बाहरी, वैराग्य होता है चित्त में और असंगता होती है अपने आत्मा में। असंगता आत्म स्वभाव स्वभाव है और वैराग्य चित्त स्वभाव है और त्याग शालीन स्वभाव है और असंगता होती है दो तरह से। एक पानी में रह के जैसे कमल असंग रहता है वो है दृष्टा की असंगता, और जैसे नीलिमा में रह के आकाश असंग होता है वो है ब्रह्म की असंगता। अनंत दृष्टि से असंगता और द्वितीय दृष्टि से असंगता, नीलिमा नाम की कोई चीज है ही नहीं दिखाई पड़े पर, और कमल जल में रहता है जल है पर व्यक्ति रूप से वो उसी का संग है। उस शरीर से होता है त्याग, चित्त से होता है वैराग्य और आत्मा में है असंगता, ब्रह्म में है अद्वितीयता। अहंकार कहाँ है तुम्हारा, ज्ञानी हो ऐसा अहंकार है वो भी नहीं लगे। एक महात्मा थे वो किसी से कुछ लेते नहीं थे, ये प्रसिद्धता की कोई चीज लेके जा के रखे तो तुरंत कहते थे वापस करो उठा उठा ले जा रहे हैं लौटा चार गाली भी सुना रहे। एक कंजूस देख था उसके मन में आया कि अच्छा है महात्मा के सामने हम उधार भी बन जाएंगे जो बड़े दाता है और कुछ दर्द भी नहीं होगा। लाख रुपए लेके महाराज जमीन के साथ पहुंचे और महाराज के सामने रख दिए, महाराज आपकी भेंट है। अब महाराज उन्होंने अपने खास सेवन से महाराज ने पूछा महाराज आ गया तो देखो और लोग आते हैं देते हैं उनकी श्रद्धा जरा पूरी नहीं होती है, इस भेंट को बहुत श्रद्धालु है प्रेम से लाया है तो इसका वापस करना ठीक नहीं है। अब देश को बेचारा फिर जीते ही हार मारेंगे तो ये जो बाहरी त्याग है और वो 10,000 के सामने रहा 50,000 के सामने रहा 1,00,000 के सामने टूट गया, ये जो वैराग्य है
महाराज भरत लोग की स्त्री के सामने रहा और स्वर्ग की अप्सरा सामने आई तो टूट गया। लेकिन जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अद्वितीयता का बोध हो जाता है, तो कोई वृत्ति, कोई क्रिया, कोई वृत्ति, कोई अभिमान हमारे स्वरूप में बाधा नहीं डाल सकता। इसलिए जब तक अनुभवी पुरुष के अनुभव से अपना अनुभव बन जाए, तब तक छटपटाना नहीं चाहिए। कामी क्रोधी लोभी जहाँ जाएगा वहां भी वो कामी क्रोधी लोभी ही रहेगा। जब मूर्ख अज्ञानी पुरुष समाधि लगा रहेगा हो, बहुत बढ़िया समाधि लगी है, और जहाँ छोड़ के उठा वहाँ मनोरथ हुआ, वहाँ प्रताप हुआ, एक सज्जन से हम लोगों के संपर्क में 5 घंटे तक हो उस स्थापन से रहते थे हुए थे, आँख लाल हो जाती थी और 5 घंटे स्थिर नीचे वहाँ और चुप मौ जब निकलते थे तो महाराज कहते थे दुनिया में हमारी लड़ाई है, संघर्ष है हमारा शक्ति के साथ, और महाराज राम को गाली दे उसको गाली दे, हमारी समाधि है सब कुछ कर। वो जो आँख लाल होती थी, दिमाग गर्म होता था और दिमाग में गर्मी आ जाती थी, समझते थे और कुछ ना खा के ठंड में खड़े रहते थे, बोले हमारे जैसा सिद्धि की और कौन है, हम जानते थे जो कुछ ना खाते, हमको मालूम था कि उनको कितना क्रोध आता है। तो महाराज अपने को अंतर निरीक्षा अपना जारी रहे, और न वैराग्य का अहंकार हो, न त्याग का अहंकार हो, न साधन का अहंकार हो, अहंकार से मुक्त रह के जो निर्हम परमात्मा है उसको प्राप्त किया जा सकता है।